देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि कब है? श्रावण पूर्णिमा का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व होता है, जैसे बैसाख पूर्णिमा का महत्व होता है, वैसे ही श्रावण पूर्णिमा यानी कि श्रावणी का महत्व होता है। तो इस व्रत को लेकर के 2 दिन यानी कि दुविधा की स्थिति है कि व्रत 30 को रखा जाए या फिर 31 को रखा जाए। तो उदयातिथि की पूर्णिमा हमें 31 को मिल रही है, परंतु व्रत किस दिन रखा जाए इस बारे में भी भ्रम की स्थिति है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा ना सभी पूर्णिमाओं से श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि आज सावन पूर्णिमा यानी कि सावन का अंतिम दिन है, और इस बार तो और भी विशेष हो गई थी क्योंकि 2-2 माह का सावन हो गया था। तो इस दिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें इस वीडियो में होंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त दिन बुधवार को है। सावन मास की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त सुबह 10:58 से लेकर के और 31 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 7:05 तक रहेगी। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा व्रत 30 तारीख को रहेगा। आप लोग समझ जाइएगा, श्रावण पूर्णिमा का जो लोग व्रत का धारण करते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि चंद्र उदय होने के बाद अर्घ्य दिया जाता है और अपना व्रत खोला जाता है, कुछ खाया पिया जाता है। तो व्रतधारी एक काम आप समझ लीजिए कि आप लोग को 30 तारीख को व्रत रखना है। अब आप लोग कहेंगे 31 तारीख को क्या है? 31 तारीख को उदयातिथि की पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है, पीपल पूजा करने की पूर्णिमा है, सत्यनारायण कथा कराने की पूर्णिमा है। तो व्रत वालों के लिए 30 तारीख को पूर्णिमा है, और व्रत नहीं करने वालों के लिए, सिर्फ स्नान दान के लिए पूर्णिमा मनाने वालों के लिए 31 तारीख को पूर्णिमा है। रक्षाबंधन किस दिन करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा? दोस्तों, मैं 2-3 वीडियो चैनल पर डाल चुकी हूँ, रक्षाबंधन कब करें मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो आ जाएगा सही। और भ्रमित मत होइए, आप लोग इधर उधर बातें बताई जा रही है उसमें मैं समझा कर बताई हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी कि किस दिन आपको रक्षाबंधन करना है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आपको व्रत 30 तारीख को करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि ना हर पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है, बार बार मैं बताती हूँ, लेकिन श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। इस पूर्णिमा को यदि आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन कराते हैं, मुझे पता है 50% तक लोग कराते ही कराते हैं, नहीं कराते हैं आप खुद कर लीजिएगा, घर में अपने खुद कर लीजिएगा, सामान्य विधि से पंचामृत फूल ये सब चीज़ें लेकर के कर लीजिएगा। और अगली चीज़ ये भी ध्यान देना है कि सावन पूर्णिमा है तो 31 तारीख को सुबह जल्दी जगिएगा, घर की जितनी हो साफ सफाई करिएगा। आज जो है वो गुरुवार का दिन होगा तो कबाड़ वगैरह नहीं निकालेंगे, घर को धोएंगे नहीं, ये सब साफ सफाई नहीं होगी। गुरुवार का दिन मिल रहा है, इससे श्रेष्ठ और पीपल पूजा के लिए कोई दिन नहीं होगा। तो सुबह 9:30 तक आप पीपल पूजा पूर्ण कर लीजिएगा। सुबह गुरुवार 31 तारीख की बात कर रही हूँ, 9:30 तक आप लोग पीपल पूजा कर लीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको कि पूर्णिमा तिथि है तो बाल वगैरह जो भी बहने हैं बाल न धोएं आज। साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि स्नान दान की पूर्णिमा सुबह सवेरे 7:05 तक है। तो अब आप अपने मन में किसी तरह का भ्रम मत लाइएगा, ये पूर्णिमा पूरे दिन की पूर्णिमा मान्य होगी। तो कभी भी आप सत्यनारायण कथा करा सकते हैं, कभी भी आप कोई भी दान ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कोई भ्रम मत लाइएगा। उदयातिथि की पूर्णिमा पूरे दिन की पूर्णिमा मान्य होगी, इसलिए कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहा लीजिएगा सुबह सवेरे, घर को धोइएगा, पोछिएगा मत क्योंकि गुरुवार है। नहाने के बाद अपने घर के मेन डोर पे स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा, इसका महत्व और बढ़ जाएगा क्योंकि आज पूर्णिमा है और ऊपर से गुरुवार है। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। घर के मंदिर में भगवान विष्णु को तुलसी युक्त आज यदि खीर का भोग लगाया जाए, माँ लक्ष्मी के साथ जो विष्णु जी आपके घर में विराजमान है, यदि तुलसी युक्त खीर का भोग लगाया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज भगवान विष्णु को जो चूरमा होता है उसका भोग लगाने से भी जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। केला लाइए और उसको भोग लगाइए, आज ये सारे कार्य आपके लिए करना बहुत ज़्यादा शुभ और अनिवार्य है। आज सावन पूर्णिमा का अंतिम दिन है तो आज भोलेनाथ की जितनी हो सके आराधना जरूर करिए। पूरे सावन मास यदि आप मंदिर गए हैं अति उत्तम, नहीं गए हैं तो आज एक लोटे जल में काले तिल डाल करके और भोलेनाथ को समर्पित करिए हर हर महादेव बोलते हुए, फिर देखिए जीवन से कष्ट कैसे समाप्त होने लगते हैं। आज बाबा से प्रार्थना करिए कि जो भी हुआ जितनी हुआ मैंने इस सावन मास आपकी आराधना की और पूरे वर्ष अब आपकी सहारे हूँ। ऐसा कर किसी भी शिवालय में जाकर जल चढ़ाइए, विश्वास मानिए यह अंतिम जो सावन का दिन है आपके लिए वरदान बन सकता है, बस ये सारे काम कर लीजिएगा।
अब एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं जीवन में। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोगों की बातें जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग प्रसन्न होते हैं। आप लोग के लाइक, आप लोग के कमेंट देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और देखिए, मुझसे कुंडली यदि दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नंबर आपको दिए जा रहे हैं, उन नंबरों से मेरा कोई लेना देना नहीं है जो कमेंट बॉक्स में आपको दिए जा रहे हैं। वो नंबर फ्रॉड हो सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। मैं जो नंबर आपको बताती हूँ, इसीलिए मैं अपने मुँह से बताती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ यही मेरा नंबर है। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको कोई मेरा नंबर देता है तो उस नंबर की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है, ना ही वो मेरा नंबर है। सिर्फ मैं जो कहती हूँ वही मेरा नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा करिए और साथ साथ आप एक काम और करिए, पीपल पूजा आज जरूर कर लिए। विधि मैं बता चुकी हूँ। थोड़ा सा जल ले लीजिए और कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा चीनी, गुड़, मिश्री, शहद कुछ भी डाल लीजिए और आप पूर्व की तरफ मुँह करके पीपल देवता में जल चढ़ाइए और वहाँ से कामना करिए कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आइए। वैसे तो मैंने 1 मिनट में आपको ये उपाय बता दिया, लेकिन ये वरदान है आपके लिए। हर पूर्णिमा को ये काम करिए और फिर देखिए लक्ष्मी कैसे आपके घर में टिकती हैं। ये सारे काम कर लें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावधानियों पे। तो देखिए, सावन पूर्णिमा है और आज के दिन आपको क्या करना है कि आज बाल मत धोइएगा, सारे काम आप करिएगा। जो भी कपड़े वगैरह पहनने हैं नए, वो सब पहनिएगा, लेकिन बाल मत धोइएगा। आज अपने घर में खीर बना लीजिएगा। खीर बना के लक्ष्मी जी, विष्णु जी को चढ़ाइएगा, भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइएगा और अपने परिवार वालों के साथ आज खीर का प्रसाद ग्रहण करिएगा। ये सब काम कर लीजिएगा। जो व्रत वाले हैं वो 30 तारीख को व्रत रखेंगे। एक बार फिर बता दूं तो ये पूर्णिमा से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।